जब मैं जेल गया तो मुझे मालूम हुआ कि अंदर कितना जुल्म। वहां पर पहली बार वहां जेल जाकर मुलाजा होता है, ये जिसे फर्स्ट एनजीआर के बदन के चोट निशान और क्या क्या निशान है वो नोट किए जाते हैं। उसके बाद जो ड्यूटियां बांटी जाती है कि आपकी ड्यूटी भंडारे में लगाई जाएगी, कि वो बैरक सफाई में लगाई जाएगी, और उसके लिए पेमेंट करना होता है। हर कैदी के घर वाले जाकर वहां पैसा लेते हैं कि इनकी ड्यूटी भंडारे में लगाई जाए, इनकी ड्यूटी ये बैरक के उल्टा सफाई उसमें लगा दी जाए, उसके लिए एक बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। इत्तेफाक से उन दिनों मेरे साथ मैं जब जेल गया तो लोगों ने तमाम ददुआ के लोग बंद थे, सब ददुआ हमारे यहाँ का बहुत नामी ग्रामीण बदमाश, तो उनको वहां पर जेल में एक ह्यूज अमाउंट आता था। जितने ददुआ के नाम से बंद होते थे उनको सारी फैसिलिटी मिलती थी, और जितने बुढ़े बुढ़े लोग थे वो अगर नए आए तो उनको भंडारे में ड्यूटी लगा दी जाती थी। मैं बहुत सेंसिटिव आदमी था, मैं जाता था बुद्धों को निकालू की भाई इससे पैसा नहीं मिला लेकिन उसकी ड्यूटी यहां नहीं लगेगी। तो नौबत ये आने लगी कि पगली घंटी बजा दी जाएगी और आपका यहां कुछ कर दिया जाएगा, और इस तरीके से मुझे इन लोगों ने धमकियां देनी शुरू की। मैं जेल मैनुअल पा गया, मैंने अपने साथियों से मंगवा लिया और मैंने उसमें उनके रोजाना जो अदालत में पेशियां जाती थी उसके माध्यम से मैं अपनी दरखास्त किया, अपनी पिटीशन। जेल में वो तमाम ऐसे लोग मिले मुझे जिनकी सजा 2 साल और 2.5 साल 3 साल से ऊपर थी। इस तरीके के तमाम लोग वहां मुंशी होती है, बेजुबानी का फायदा उठाया जाता है, वो ऐसे तमाम लोग बंद थे जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी लेकिन उनको एहसास नहीं, उनके घर वाले शायद उन्हें भूल चुके थे। मैं अपने उस 2.5-3 महीने के जेल रहने के दौरान मैं सिर्फ पिटीशन लिखा और उनकी और ऐसे तमाम पिटीशन जेल में लिखी, वो लोग छूटे मेरे सामने। तो हम उन बेजुबानों की आवाज बनकर एचआरएल ह्यूमन ला नेटवर्क की तरफ से आए हैं, यहां महिलाओं की भी बात चली। मैं बहुत मुख्तसर 4 लाइनों में अपनी बात जो मैंने लिखी है मैं आपको सुना दूं। जतन से ब्याह में रोशन किया था बेटी को, दुखों का शहर था जो घर मिला था बेटी को। गरीब बाप था लेकिन दहेज शादी में कफन को छोड़ के सब कुछ दिया था बेटी को। गरीब बाप था लेकिन दहेज शादी में कफन को छोड़ के सब कुछ दिया था बेटी को। अजन्मी बेटी की हत्या की रीत चल निकली, दहेजी दौर ने तोहफा दिया था बेटी को। लगाए सी पढ़ाई मैं न गई इसलिए कि बेटी थी, जमाने वालों से शिकवा गिला था बेटी को। लगाए रखती थी सीने से हर घड़ी। वरिष्ठ अधिवक्ता मंत्री साहब मंजन साहब, जनाब स्वैब साहब, शेखर राय साहब और शुक्ला जी तथा आए हुए नियम के समस्त कार्यकर्ता साथी, ह्यूमन राइट्स क्या है इसके बारे में मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने कल और आज मिलाकर के काफी चर्चा किया है। जहां भी कानून का वायलेशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमको आपको मिला हुआ है, जो लॉ से मिला हुआ है, अगर उसका वायलेशन होता है तो मैं समझता हूं कि ये वायलेशन ही आपको इस बात के लिए मजबूर करता है कि आप ऐसे व्यक्तियों की मदद करें जिनके साथ नाइंसाफी होती है। ये संगठन जो बनते हैं, जब समाज में ऐसे लोगों के प्रति कानून से नाइंसाफी होती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है और उसके बारे में चर्चा होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोग उसकी मदद करते हैं और समय समय पर
जो समस्याएं आती हैं जनमानस के द्वारा, उसके आधार पर कानून भी बनते हैं। मैं चूंकि फैजाबाद से ताल्लुक रखता हूं और अयोध्या चूंकि नजदीक है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि भी वही है, कम्युनल एलिमेंट्स सबसे ज्यादा फिलहाल अयोध्या और फैजाबाद में है। बाबरी मस्जिद यीशु के पहले हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने में आतंकवादी गतिविधियां नहीं थी। अगर कोई गतिविधि होती भी थी पुलिस के खिलाफ, तो नेशनल लाइट मूवमेंट या इस तरह की कोई बात होती थी। लेकिन 1992 के बाद देश की जो सबसे बड़ी संस्था आईबी है, जो सरकार की आंख कान नाक है, वहां पर यह रिसर्च के बाद उभर के आया कि आईबी में 99% आरएसएस के प्रशिक्षित लोग बैठे हुए हैं और ये लोग जो आरएसएस के हैं ये कार्पोरेट जगत को मजबूत करने के लिए, इस देश के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत सारे प्लांस बनाते हैं और केंद्र की सरकार जो है आंख मूंद करके उन पर भरोसा करती है और उसी पर अमल करती है। आपको मालूम होगा कि आजादी के पहले ट्राइबल्स ग्रुप को चिन्हित किया गया था, अंग्रेजों ने किया था, और उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट में पासी इनको चिन्हित किया गया था। और जब भी कोई क्राइम ड्राइव होता था तो ट्राइबल्स को लेकर के या इन पासियों को लेकर के इनका इनकाउंटर किया जाता था, इनको जो है जेलों में बंद कर दिया जाता था। वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए एक टेरर कायम करते थे। आजादी के बाद और 1992 के बाद जब कारपोरेट जगत या सामंतवादी ताकतों को यह लगा कि देश के रहने वाला हिंदू मुसलमान जो बीकर सेक्शन का है, यूनाइट होकर के इन पूंजीपतियों के खिलाफ लामबंदी के साथ संघर्ष के मैदान में उतरेगा तो हमारी सत्ता चली जाएगी। एक गंभीर मंथन करने के बाद देश के अंदर जाति विवशता पैदा की गई और सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की गई, जिसके आधार पर ये बीकर सेक्शन के लोग यूनाइट होकर के उनकी सत्ता को चुनौती ना दे सके, ये सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया। मैंने देखा कि हमारे यहां अकबरपुर में मरेला मिल थी, मजदूरों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए अकबर हुसैन बाबर जो सीपीएम के थे, क्योंकि मैं भी सीपीएम से बिलोंग करता था, वहां ये बात की कभी चर्चा नहीं हुई कि कौन वर्कर हिंदू है कौन मुसलमान है। सब एकजुट होकर के बिल मालिक के खिलाफ लामबंदी के साथ लड़ाई लड़ते थे और अपनी जायज मांग को मनवाते थे। गोली भी चली वहां, तब ये बात नहीं थी। लेकिन इस ताकत को तोड़ने के लिए पूंजीपतियों ने, कारपोरेट जगत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, और मैं तो कहूंगा कि जो व्यक्तिवादी पार्टियों के लोग हैं, जिसके सर्वे सर्वा एक ही परिवार का है, कांग्रेस है,
इन लोगों की पूरी मिली भगत के साथ ये प्लानिंग चल रही कि जिससे ये लोग यूनाइट अप इसको भी देखने की हमको आपको जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि हमको एक वामपंथी विकल्प देने की भी बात करनी चाहिए और अपनी बात को देखिए दो चीजें हम ड्राइंग रूम में बैठ करके बहुत अच्छे अच्छे भाषण कर ले ह्यूमन राइट्स पे बात कर ले अदालतों में कुछ मुकदमे में पैर भी कर ले लेकिन ये समस्या का सही समाधान नहीं है। कुछ लोगों को राहत मिल सकती है पूरे लोगों को राहत हम तभी दिला सकते हैं जब अपनी बात को चाहे इस माध्यम से चाहे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के उन तमाम चीजों को जो हमारे साथ साजिश कर रहे हैं उनको बताएं और उनको एक विकल्प देने की भी बात करें कि ठीक है अगर ये शासन भाजपा का हो कांग्रेस का हो समाजवादी का हो बसपा का हो तो ब्यूरोक्रेट्स वही है निजाम उन्हीं के हाथ में रहेगा चीफ मिनिस्टर उन्हीं का होगा प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का होगा। क्या हम समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं? हम चंद लोगों को फायदा तो पहुंचा सकते हैं लेकिन समस्या का सही निदान हम परमानेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल जन आंदोलनों के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा और उसको लामबंद करना पड़ेगा कि आपको जातवादी राजनीति से मजहबी राजनीति से हट करके गरीबों और दबे कुचलों की राजनीति करनी पड़ेगी और सत्ता की कुर्सी पर उसको ले जाना पड़ेगा। ये बात भी आपको करनी पड़ेगी मेरा ऐसा मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है इक्वलिटी बिफोर लॉ और कोई भी और क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है उसमें भी है कि अगर किसी ने FIR दर्ज किया स्टेट उसकी पार्टी हुई इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड बॉडी कंप्लेनेंट टू प्रूव हिज केस अगेंस्ट द एक्यूज और एक्यूज को भी ये राइट है कि वो अपने चॉइस से अपना वकील अपने डिफेंस में रख सकता है। लेकिन जब ये आतंकवादी घटनाओं की बात होने लगी और तमाम मुसलमान बेगुनाह पुलिस द्वारा बंद किए जाने लगे उस समय जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ रहने वाले एडवोकेट्स थे उनके ऑर्गेनाइजेशन ने जगह जगह पर यह प्रस्ताव पारित करना शुरू कर दिया कि ऐसे आतंकवादियों का केस कोई भी लायर नहीं लड़ेगा। अगर वो लड़ता है तो उसको उस एसोसिएशन से दीवार कर दिया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके खिलाफ के राय साहब के नेतृत्व में इलाहाबाद में मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि हम इसको पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा था देश के सामने। आतंकवादी घटनाओं में सारे के सारे मुसलमान बंद किए जा रहे थे ऑल ओवर इंडिया और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ जो एक्यूज थे अगर उनको डिफेंस करने के लिए जो राइट उनको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से मिला था अगर रोक दिया जाता ये बात जाती उस कौम के बीच में कि अगर हमको राइट करने का हमको डिफेंस करने का राइट ही अगर छीन लिया जाएगा तो कौम बगावत कर सकती थी और देश के सामने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। इस बात को सोच करके के राय और तमाम अधिवक्ताओं ने इस बात को तय किया यही हमको जमहूरियत को बचाना है इस देश के कानून को बचाना है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है इसलिए हम लोग एक ताकत के साथ हर अदालतों पे चलकर वकालतनामा लगाएंगे।
ये हमने उनके व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं कुछ किया, बल्कि इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस देश के कानून को बचाने के लिए, इस देश की सार्वभौमिक अखंडता को बचाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया था। ये बहुत बड़ी बात थी। पूरे 25 करोड़ आबादी को बगावत करने से रोकने के लिए ये स्टेप उठाया गया था, और जिसका नतीजा हुआ कि स्वयं साहब पे हमला हुआ, हमारा तख्ता और कुर्सी उठा ले गए, हमारी फाइलें जला दिया। कम से कम 300 वकील हमको 1 बजे घेर लिए, 16-14 तारीख को कारनामा लगाया और 16 तारीख को हमारे साथ इकट्ठा हुई फैजाबाद। आज भी मैं उस मुकदमा को देख रहा हूं। मेरा सोशल बायकॉट हुआ, मुझसे लोगों ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये चंद दिनों की बात है, ये लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। और आज कामयाबी उसमें मिली, मेरा ये मानना है कि हम कुछ जेलों में जाते हैं, हमारे क्लाइंट्स रहते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने विधिक साक्षरता जो है का एक फोरम बनाया है, ये मजिस्ट्रेट गांव गांव जा करके, तहसीलों पे जा करके लोगों को एजुकेट करते हैं। हम इस संगठन के माध्यम से ये बात, हमारे अगर हर जिले में ये संगठन तैयार हो जाता है तो हम डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम को अपने बैनर्स के साथ, अपने पैड के साथ ये बात दे सकते हैं लिख करके कि जब आप जेलों में विजिट करने जाते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है, सीजीएम रहता है, डिस्ट्रिक्ट जज रहता है, एसएसपी रहता है वहां का, ये चारों की ज्वाइंट जो है विजिट होती है हर महीने में जेलों में। हमारा भी संगठन का एक आदमी वहां उसके साथ जाएगा और हम भी उनसे, जेलर से पूछताछ करेंगे कि किसका क्या रिकॉर्ड है, कितने दिन से वो जेल में है, उसकी बेल हुई है कि नहीं हुई है, तो सारे रिकॉर्ड्स हम उसके माध्यम से तैयार कर सकते हैं और हम फोर्स कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डीजे को कि वो हमारे संगठन के पदाधिकारी को भी साथ लेकर के वहां पर जाए। ऐसा हम उसको ज्ञापन दे सकते हैं और फोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बाधा नहीं आ सकती। और जहां तक सवाल है विधिक साक्षरता जो है, वहां जब वो तहसीलों पे लगाते हैं तो हमारे संगठन का भी पदाधिकारी उनके साथ जाए और वहां पर अपनी ह्यूमन राइट्स के बारे में, गवर्नमेंट की क्या स्कीमें हैं प्रिजनर्स के बारे में, वो भी बात करें। क्योंकि मैं जानता हूं, दो एक मीटिंग में मैं गया था, वहां पर यही होता है, ईटिंग मीटिंग चिटिंग। वो जाएंगे, कुछ लोग उनको माला पहना देंगे, उसके बाद दो एक आदमी भाषण कर देंगे, कोई आदमी कविता पढ़ देगा, उसके बाद दैट्स ऑल, अच्छा खासा नाश्ता कर लेंगे और चले आएंगे। बुनियादी जो बात है, जनता को जागरूक करने के लिए, इसमें एक खतरा और है, क्या कोई व्यक्ति अपने खिलाफ जनता को बताएगी वो बात? आप सोचिए, वही आदमी गलती करे मजिस्ट्रेट, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गलती करे और वही बताएगा कानून के हिसाब से आपको ये अधिकार है, जिस कानून का पालन करने के लिए उसको बनाया गया है।